और श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। फिलहाल बूथ संख्या 75 में ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें आई है। तकनीकी खराबी के चलते ईवीएम में खराबी हुई है। करीब 45 मिनट से रुकी हुई है वोटिंग। तो बड़ी खबर श्रीकरणपुर से, टेक्नीशियन ईवीएम मशीन सुधारने का काम कर रहे हैं और शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। बूथ के बाहर वोटरों की लंबी लाइन लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मुस्तैद है, तैनात है। तो बड़ी खबर आपको बता दें श्रीकरणपुर से, जहां पर वोटिंग फिलहाल जारी है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है श्रीकरणपुर में। और करणपुर और गजसिंहपुर के बूथों पर भारी मात्रा में वोटर पहुँच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। बूथ संख्या 75 में ईवीएम मशीन में खराबी आई है। तकनीकी खराबी के चलते वोटिंग रुकी हुई है। करीब 45 मिनट से वोटिंग रुकी हुई है और टेक्नीशियन ईवीएम मशीन सुधारने का काम कर रहे हैं। और बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद में वोटर्स मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात है, मुस्तैद है। और श्रीकरणपुर में 6 बजे के बाद भी वोटिंग जारी रहेगी। करणपुर और गजसिंहपुर के बूथों पर भारी मात्रा में मतदाता पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। लंबी लंबी लाइन देखते हुए कल रात तक वोटिंग चल सकती है। और बूथ संख्या 75 पर लंबी कतारें लगी है वोटर्स की मतदान करने के लिए। और ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से, श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान फिलहाल जारी है। बूथ संख्या 75 में ईवीएम में खराबी आई। तकनीकी खराबी के चलते वोटिंग रुकी हुई है और करीब 45 मिनट से ये वोटिंग रुकी हुई है। और वोटिंग रुकने के कारण लंबी लंबी कतारें लगी है। वोटर्स बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए श्रीकरणपुर से संवाददाता मंजीत सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मंजीत जी, बूथ संख्या 75 पर वोटिंग रुकी हुई है, क्या कुछ अपडेट है और क्यों ईवीएम में खराबी आई है? मनीष जी, बूथ नंबर 75 पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के कारण करीब 1 घंटा तक मतदान जो है रुका रहा। 1 घंटा बाद ईवीएम बदल कर लगाई गई है और मतदान शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि करणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी तक काफी बूथों पे लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो मतदान 9 बजे तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल अभी वहां कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है और प्रशासन ने इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था करके रखी है? मनीष, 5 बजे तक 72.40% मतदान जो है हो चुका है। उसके बाद अपडेट अभी तक आई नहीं है। पूरा मतदान हो जाने के बाद ही अपडेट आएगी। और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और जगह जगह पर पूरी तरह से फोर्स लगाई गई है। जी बिल्कुल, चूंकि तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि भारी तादाद में वोटर्स मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब ये जो चुनाव रुका हुआ था, तो किन मुद्दों को लेकर वोटर्स यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और बीजेपी या कांग्रेस किसके पक्ष में ये सीट जा सकती है, क्या संभावना है? क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको पहले ही राज्य मंत्री का दर्जा मिल चुका है। दरअसल देखने में आ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री का दर्जा देने के बाद आम लोगों में, आम मतदाताओं में काफी नाराजगी पाई जा रही है। मतदाताओं का कहना है कि हमारा मत है उसको इन्होंने कुछ नहीं समझा और बिना मतदान के ही मंत्री बना दिया गया, इसलिए मतदाताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं रुपेंद्र सिंह रुब्बी कुन्नर, उनके पिताजी का पिछले दिनों देहांत हो गया था। प्रत्याशी तो वही थे उस समय चुनाव में, लेकिन उनका देहांत होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था, जो आज हो रहा है। तो उसकी जो है उन्हें सहानुभूति मिलती दिख रही है। तो तीसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वी पाल सिंह संधू है, जो किसानों और मजदूरों के लिए लंबे टाइम से संघर्ष करते रहे हैं, उनके तरफ भी लोगों का काफी रुझान देखा जा रहा है। और ऑल ओवर देखा जाए तो तिकोनीय मुकाबला देखने में आ रहा है।
जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस सीट पर कौन कब्जा करता है, क्या कुन्नर के खाते में ही सीट जाएगी या टीटी राजा जो है वो जीतेंगे बीजेपी के। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मंजीत जी। तो बड़ी खबर, श्री करणपुर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, बड़ी तादाद में मतदाता मतदान के लिए पहुँच रहे हैं और बूथ संख्या 75 में तकनीकी खराबी के चलते ईवीएम मशीन में खराबी आई और करीब 45 मिनट तक वोटिंग रुकी हुई, और अंदेशा जताया जा रहा है कि करीब रात को 9 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। टेक्नीशियन मौके पर मौजूद हैं, ईवीएम मशीन को सुधारने का काम जो है जारी है। बूथ के बाहर बड़ी मात्रा में वोटर्स खड़े हुए हैं वोट करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मुस्तैद है, और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी थी लेकिन अब वोटिंग का समय जो है बढ़ा दिया गया है, 9 बजे तक वोटिंग हो सकती है। करणपुर और गज सिंहपुर के बूथों पर भारी मात्रा में मतदाता पहुंचे हैं, लंबी लाइन देखने को मिली है, रात 9 बजे तक वोटिंग चल सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान फिलहाल जारी है।